दोस्तों स्वागत है आपका भारत की बात में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आज आपके लिए भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद तीसरी बार ममता बनर्जी की सरकार सत्ता में आई है। कल ममता बनर्जी ने बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली है, जहां राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उन्हें शपथ दिलाई है, जिसके बाद ममता दीदी एक बार फिर से बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई है। जी हां, वही शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी ने सबसे पहले कहा है कि उनकी प्राथमिकताओं में कोरोना के खिलाफ जंग है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल में अब हिंसा की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि बंगाल को हिंसा पसंद नहीं है, मैं व्यक्तिगत रूप से कानून और व्यवस्था के मुद्दों को देखूंगी और सुनिश्चित करूंगी कि राज्य में शांति कायम हो। ममता बनर्जी ने अपने बयान में कहा है कि मैं सभी से शांति बनाए रखने की अपील करती हूं, अगर किसी भी दल के व्यक्ति ने हिंसा की है तो फिर उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जब मैं शांति के पक्ष में हूं और रहूंगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि कानून और व्यवस्था नियंत्रण पिछले 3 महीनों से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ECI के अधीन था। चुनाव आयोग ने काफी अधिकारियों को बदल दिया था जिन्हें फिर से बहाल किया जाएगा। जो उन्होंने कहा कि मैंने अभी शपथ ली है और मैं अभी ये सुनिश्चित करूंगी कि शांति बनी रहे। दोस्तों एक और जहां कोरोना की दूसरी लहर ने देश में हाहाकार मचा रखा है, तो कोरोना के कारण कई लोगों की जान भी जा रही है। जी हां, वही गुजरात से आई एक तस्वीर को देखकर यह कहा जा सकता है कि यहां लोगों को कोरोना का कोई भी डर नहीं है, ना तो उन्हें अपनी फिक्र है और ना ही दूसरों की। दरअसल ये तस्वीर कोरोना महामारी को भगाने के नाम निकाले गए शोभा यात्रा की है। यह श्रद्धालुओं को विश्वास है कि ऐसा करने से देश से कोरोना भाग जाएगा। यह इसी विश्वास के कारण भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया था। सानंद स्थित एक मंदिर में जल चढ़ाने के लिए हजारों लोग इकट्ठा हुए। यह शोभा यात्रा के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। गाजे बाजे के साथ निकाले गए शोभा यात्रा में महिलाएं अपने सर पर कलश रखकर पूरे इलाके का भ्रमण करते हुए मंदिर पहुंची, जहां जल को चढ़ाकर कोरोना को भाग जाने की प्रार्थना भी की गई। यह सबसे हैरानी की बात यह है कि इस दौरान ना तो किसी के चेहरे पर मास्क लगा था और ना ही इस यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ही पालन किया गया। यह मंदिर में जल चढ़ाने के वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद में आई पुलिस ने कुल 23 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर आपदा एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी कि पीएम किसान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने वालों के लिए खुशखबरी है। जी हां, अब जल्द ही किसानों के खाते में योजना की 8वीं किस्त का पैसा आने वाला है। ये केंद्र सरकार जल्द ही किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए जमा करने वाली है। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार 3 किस्तों में किसानों को 2,000 की रकम देती है। ये केंद्र सरकार की इस योजना से देश के करीब 10 करोड़ किसानों को फायदा होता है। जी हां, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की रकम किसानों के खाते में इस बार 10 मई तक आ सकती है। जी हालांकि सरकार की ओर से अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जो खबरें आ रही है उसके अनुसार 10 मई के आसपास सरकार यह रकम जारी कर सकती है। जी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की रकम से करीब 10 करोड़ किसानों को फायदा होगा। बीते महीने कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि अप्रैल के 20 से 25 तारीख के बीच रकम किसानों के खाते में पहुंच जाएगी, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि 10 मई तक यह रकम आएगी। आपको बता दें कि इस रकम से करीब 10 करोड़ किसानों को सीधा फायदा मिलता है। दोस्तों कुरान शरीफ के 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी का एक और बयान सामने आया है, जो मुस्लिम समुदाय को आक्रोशित कर सकता है। जे वसीम रिजवी ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा है कि कोरोना महामारी खत्म होते ही देश में CA और NRC लागू किया जाए, क्योंकि बंगाल चुनाव के नतीजे ने दिखा दिया है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों ने हिंदुत्व के खिलाफ एकजुट होकर ममता बनर्जी को वोट दिया। यह हिंदुस्तान के लिए अच्छे संकेत नहीं है। जे वसीम रिजवी ने अपने वीडियो संदेश में मांग की है कि देश भर से छोटे मदरसे बंद होने चाहिए। जी हां, वसीम रिजवी ने कहा है कि बंगाल का चुनाव इसका उदाहरण है कि वक्त आ गया है कि देश में CA और NRC लागू किया जाए। उन्होंने कहा है कि बंगाल में सबसे ज्यादा बांग्लादेश के मुसलमान घुसपैठ किए हुए हैं। हिंदुस्तान में जहां जहां घुसपैठिए हैं वह एक मकसद के तहत आए हैं। बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और हिंदुत्व के खिलाफ एकजुट होकर उन्होंने ममता बनर्जी को वोट दिया। जहां मुस्लिम निर्णायक वोट था वह सभी सीटें ममता बनर्जी ने जीती है। यह मुसलमान किसी के वोट बैंक नहीं है, किसी सियासी पार्टी के साथ नहीं है, वह हिंदुत्व और BJP के दुश्मन है। वो उसी को वोट देते हैं जो BJP को हरा रही है।
दोस्तों पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एक बार फिर से सीएम पद की शपथ ले ली है। ये टीएमसी चीफ ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गई है। बंगाल के सीएम के तौर पर तीसरी पारी खेलने के लिए तैयारी कर रही ममता बनर्जी को फायर ब्रांड राजनेता भी कहा जाता है। उन्होंने 15 साल की उम्र में ही राजनीति में कदम रख दिया था। यह ममता बनर्जी एक बंगाली हिंदू परिवार से ताल्लुक रखती है और इनका जन्म पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ था। मेडिकल सुविधाओं के अभाव में उन्होंने 17 साल की उम्र में ही अपने पिता प्रोमिलेश्वर बनर्जी को दिया। सादगी पसंद ममता बनर्जी एजुकेशन के मामले में देश के कई बड़े राजनेताओं से काफी आगे हैं। उन्होंने साल 1970 में अपनी हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा देशबंधु शिशु शिक्षालय से पास की और उसके बाद जोग माया देवी कॉलेज से इतिहास में बैचलर डिग्री हासिल की। यह इतना ही नहीं, मुस्लिम समुदाय पर सदी हुई राजनीति करने वाली ममता बनर्जी ने यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से इस्लामिक के इतिहास में मास्टर की डिग्री भी प्राप्त की है। इसके बाद श्री शिक्षा एटन कॉलेज से शिक्षा की डिग्री और जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज कोलकाता से कानून की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर से डायरेक्ट की मानद उपाधि भी प्राप्त की है। उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा डायरेक्ट ऑफ लिटरेचर की उपाधि भी से भी नवाजा गया है। यह ममता बनर्जी राजनीति में तब शामिल हुई जब वे केवल 15 साल की थी। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया का सपना देखा है। ये योजना भी प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत ग्रामीणों की आवासीय संपत्ति के अभिलेख में ब्यौरा दर्ज किया जाएगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण स्वामित्व योजना की शुरुआत पिछले माह की है। जब प्रधानमंत्री ने योजना की शुरुआत करने के साथ ही 1 लाख प्रॉपर्टी मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड भी बांटे हैं। जिसके साथ ही ई ग्राम स्वरोजगार पोर्टल की भी शुरुआत की गई है। यह गाँव में रहने वाले ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनने में स्वामित्व योजना कारगर और मददगार साबित हो सकती है। यह प्रॉपर्टी कार्ड के जरिए लाभार्थी ई ग्राम स्वरोजगार पोर्टल के जरिए फिजिकल कॉपी के साथ साथ डिजिटल संपत्ति कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। जय ग्रामीण इलाकों में भी घरों के मालिकों के मालिकाना हक का रिकॉर्ड रखने वाले इस योजना के तहत प्रॉपर्टी से जुड़े विवादों के साथ साथ भूमि रिकॉर्ड भी तैयार किया जा रहा है। सरकार की योजना है कि मार्च 2024 तक देश के करीब 6 लाख से ज्यादा गाँव में यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे जमीन रिकॉर्ड से संबंधित विवादों को कम करने और वित्तीय तरलता को बढ़ावा मिलेगा। योजना के जरिए राजस्व संग्रह को सुव्यवस्थित और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रॉपर्टी राइट्स पर स्पष्टता सुनिश्चित की जाएगी। दोस्तों कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बिहार में 5 से 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। यह सरकार ने कई पाबंदियां भी लगा दी है जिसका पालन अगले 10 दिनों तक करना पड़ेगा। इस दौरान सड़क पर कौन से वाहन चलेंगे और इसके लिए क्या करना होगा ये जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। यह वाहन को चलाने का आदेश बिहार सरकार की तरफ से जारी किया गया है। सरकार के आदेश के मुताबिक सार्वजनिक परिवहन, स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी वाहन, जरूरी सेवा से जुड़ी सरकारी कार्यालयों के वाहन और उनके कर्मियों के निजी वाहन, ई पास प्राप्त निजी वाहन तथा सभी प्रकार के मालवाहक वाहन चलाए जाने की छूट होगी। उन्हें छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की गाड़ियां लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर नहीं चलाई जा सकेगी। सरकार ने एक विशेष आदेश भी निकाला है। किसी भी विशेष कार्य के लिए निजी वाहन चलाने की छूट दी गई है। शर्त यह होगी कि इसके लिए आपको जिला प्रशासन से पास लेना होगा। जी हाँ, निजी वाहन के लिए ई पास जारी करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। तो आपको बता दूं कि आप वाहन चलाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको serviceonline.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाकर आपको आवेदन करना होगा, जिसके बाद प्रशासन ई पास जारी कर देगा। जैसे ही इस लिंक पर जाकर क्लिक करेंगे आपको सामने में आवेदन पत्र आएगा जिसमें जो भी सूचनाएं मांगी गई है उसे भरना होगा। आवेदन पत्र की सभी भरी हुई जानकारी को देखकर प्रीव्यू देखने के बाद जो भी जरूरी कागजात मांगे गए हैं उसे अटैच करके सबमिट कर देना होगा। जहां आपके भरे ऑनलाइन आवेदन जिला प्रशासन के पास जाने के बाद अगर स्वीकृति हो जाता है तो फिर ई पास निर्गत कर दिया जाएगा। इसकी सूचना आवेदक को रजिस्टर्ड ईमेल या फिर मोबाइल पर लिंक के माध्यम से प्राप्त होगी। यह ई पास प्रिंट लेकर आप सफर कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आपको बता दूं कि आपको आवेदन करने के लिए कौन कौन सी जानकारी देनी होगी। तो आपको बता दूं कि अपने बारे में और वाहन की यानी कि गाड़ी की पूरी जानकारी, कहां जाना है, कब से कब तक जाना है, प्रायोजक क्या है, यात्रियों की संख्या, आने और फिर जाने की तारीख, शहर या फिर गांव, क्या घर के किसी सदस्य ने पिछले 3 माह में विदेश यात्रा की है, घर में कोई कोरोना पॉजिटिव है, अगर है तो फिर उसकी पूरी जानकारी देनी होगी। यह घर के किसी सदस्य ने पिछले 3 माह में बिहार के बाहर यात्रा की है, यह कुछ जानकारियां आपको भरनी होगी, देनी होगी। जी अगर आपने पूरी जानकारी और सही जानकारी दी है तो फिर आपको ई पास जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद आप अपने निजी वाहनों से सफर कर सकते हैं बेझिझक, कोई रोक टोक नहीं।
दोस्तों हाल ही में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद राज्य के कुछ इलाकों में हिंसा का माहौल देखने को मिला, जिसे लेकर असम के मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के बीच वहां से करीब 300 से 400 बीजेपी कार्यकर्ता और उनके परिवार के सदस्य भागकर पड़ोसी राज्य आ गए हैं। यह उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लोकतंत्र को बदरूप होने से बचाने की अपील भी की है। जी हां, असम के स्वास्थ्य और वित्त मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया और कहा कि एक दुखद घटनाक्रम में बंगाल बीजेपी के 300-400 कार्यकर्ता और उनके परिवार के सदस्य घोर अत्याचार और हिंसा की मार के बाद असम के धुबरी पहुंच गए। उन्होंने कहा कि हम उन्हें आश्रय और भोजन दे रहे हैं। ममता दीदी को लोकतंत्र को बदरूप होने से बचाना चाहिए। बंगाल बेहतर का हकदार है। दोस्तों देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर काफी घातक साबित हो रही है। दिनों दिन देश में बड़ी संख्या में नए कोरोना केस सामने आ रहे हैं। वही दूसरी ओर कुछ शहरों में इस कोरोना काल के दौरान अमानवीय घटना भी देखने को मिल रही है। ऐसा ही एक घटना जम्मू में देखने को मिली। वहां एक 2 महीने के बच्चे को कोरोना संक्रमण होने के बाद उसके माँ बाप उसे अस्पताल में ही छोड़कर चले गए। बाद में उस बच्चे की वहां जान चली गई। यह घटना सोमवार की है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार अस्पताल प्रशासन ने बच्चे के माँ बाप से लगातार संपर्क करने और फिर उन्हें खोज की कई कोशिशें की लेकिन विफल रहे। यह जम्मू के श्री महाराज गुलाब सिंह अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दारा सिंह ने इसको लेकर जानकारी दी है। यह डॉक्टर दारा सिंह ने बताया कि सोमवार को सुबह हमें 1-2 महीने का बच्चा मिला था। यह वह हृदय संबंधित बीमारी समेत अन्य बीमारियों से जूझ रहा था। यह रात 8:30 बजे उसकी जान चली गई। हमने उसका कोरोना टेस्ट कराया तो पता चला कि वह कोरोना संक्रमित भी था। डॉक्टर सिंह ने बताया कि बच्चे के मां बाप से भी उसका कोरोना टेस्ट कराने को कहा गया था लेकिन उन्होंने कहा कि देखेंगे, लेकिन बाद में वे वहां से भागे गए बच्चे को छोड़कर। हमारी सुरक्षा टीम ने उन्हें खोजने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं मिला। लास्ट में उस बच्चे की वहां पर जान चली गई। दोस्तों भारत नेपाल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीमा पर सख्ती बढ़ा दी गई है। जी हां, महामारी के गंभीर चुनौतियों से निपटने के लिए सीमा पर तैनात दोनों देश के सुरक्षा कर्मियों ने सीमा की बैरिकेडिंग करके पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। जी हां, सीमा पर दोनों तरफ से तैनात सुरक्षा कर्मियों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। एहतियातन तौर पर कोरोना संक्रमण के फैसले को रोकने के लिए लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आपको जो अनाज 2 से 3 रुपए किलो मिलता है उसकी लागत कितनी आती है? सरकार आपको 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल आपके गांव में लाकर देती है, लेकिन क्या आपने कभी अनुमान लगाया है कि इस पर कितना पैसा खर्च होता है? यह इसकी जानकारी हम आपको अभी देते हैं। आप तक नाम मात्र के खर्च पर पहुंचने वाले चावल पर सरकार 42.94 रुपए प्रति किलो खर्च करती है, जबकि गेहूं पर 29.94 रुपए। जहां सरकार ने खरीफ मार्केटिंग सीजन 2020-21 में किसानों से 1864 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर सामान्य धान खरीदा, जबकि रबी मार्केटिंग सीजन 2021-22 में 1975 रुपए प्रति क्विंटल के MSP पर गेहूं खरीद रही है। तो अब आपको मालूम चल गया होगा कि हम जिस कोटा से यानी कि डीलर से 2 रुपए और 3 रुपए गेहूं चावल खरीदते हैं उसकी असली लागत कितनी होती है। दोस्तों बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने बुधवार को 15 मई तक लॉकडाउन लगा दिया है। लॉकडाउन को लेकर पुलिस और प्रशासन भी सख्त नजर आ रही है। पैदल बेवजह घूमने वाले लोगों पर भी पुलिस सख्त से पेश आ रही है। यह पटना के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने के लिए 50 स्थानों पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बगैर काम के लिए निकलने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया जा रहा है, जबकि जरूरी काम से निकलने वाले लोगों से आवश्यक कारण जाना जा रहा है। यह बिहार में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार में पटना में सबसे अधिक मरीज मिल रहे हैं। यही कारण है कि जिला प्रशासन किसी भी हाल में इस चेन को तोड़ना चाह रही है। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया है तथा शहर में 50 अतिरिक्त दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा है कि बेवजह घर से निकलने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। दोस्तों आज का न्यूज बस यहाँ तक कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।